हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एपी। मैं अनुपम पांडे, आज आपको इस वीडियो में साधारण मापनी को ड्राइंग शीट पर बनाना सिखाएंगे। साधारण मापनी वह मापनी होती है जिसमें दो इकाइयों या एक इकाई और उनके भागों को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको इस मापनी में दिख रहा है कि मीटर तथा डेसीमीटर दो इकाइयाँ हमारी हैं, उसको प्रदर्शित किया गया। या फिर जैसे देखिए, मीटर होता है एक इकाई के भागों, जैसे एक मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पर हम देखिए मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हम डिवाइड किया, ठीक है। तो या फिर एक इकाई के हम भागों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो हमारी क्या कला थी, वो सिंपल स्केल कला थी, ठीक है। तो हमें इसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एक साधारण मापनी की रचना करें जिसमें 1 सेंटीमीटर 0.4 मीटर है, यह मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ सके। देखिए इसमें देते हैं कि मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ सके, मतलब इसमें दो हमारी इकाइयाँ दी गई हैं, ठीक है, दो मात्रक हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा कि साधारण मापनी। अगर हमें यहाँ पर नहीं दिया रहता तब भी हमें पता चल जाता है कि हमारी साधारण मापनी है। तथा फिर इसमें दे दिया है कि इसमें अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सके, मतलब जो हमारी स्केल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो हमारा दे दिया यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है। अब इसकी अब दिया है कि इस मापनी पर 4 मीटर तथा 6 डेसीमीटर हमको दर्शाना है। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होता है कि हमें ड्राइंग पर माप ज्ञात कर लेनी होती है, ठीक है। ड्राइंग पर माप तथा हमारी वास्तविक लंबाई, जैसे हमें देखिए यहाँ पर दिया कि 1 सेंटीमीटर 0.4 मीटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो मतलब 0.4 हमारी क्या वास्तविक वैल्यू है और 1 सेंटीमीटर हमारी क्या है, ड्राइंग पर माना गया, मतलब 0.4 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे ड्राइंग पर। तो हमारा ड्राइंग की माप हो गई 1 मीटर तथा वास्तविक लंबाई 0.4 मीटर। फिर हमें क्या इसमें हमें दिया रहता है कि हमें इसमें पहले निरूपक भिन्न निकालना होता है। निरूपक भिन्न आर बराबर होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें यहाँ से पता चल गई 1 मीटर। फिर यहाँ से हमारी वास्तविक लंबाई हमें दी गई है, लेंथ ऑफ जो हमारी एक्चुअल लेंथ है 0.4 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपान 0.4 मीटर, तो चूँकि सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर अपान 0.4 × 100 हो जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसमें निकालना होता है लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई। तो मापनी की लंबाई बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है RF × मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ठीक है, हमारे जो स्केल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 5 मीटर तक ही माप सके, मतलब ये अधिकतम जो मापेगी ये 5 मीटर तक ही माप सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो हमारा RF लिखा हमें ज्ञात है 1/50। तो यहाँ से देखिए 5 मीटर चूँकि दिया गया था, तो ये हमारा चूँकि सेंटीमीटर में था यहाँ से हमने निकाला था, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर चेंज करेंगे, तो यहाँ से हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ आप इसके निकल जाती है, तो जैसे देखिए यहाँ पर 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी जो है वो 12.5 का पहले एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो स्केल है ये 1 मीटर करके 5 मीटर में है, ठीक है, ये 5 मीटर तक हमारी स्केल माप सकती है। तो इसको 5 भागों में डिवाइड करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यून कोण पर हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक, या तो इसको हम समान भागों में गोला प्रकार से काट लें, ठीक है, एक चाप लेके समान उसी से हम 5 भागों में से काट लें, या तो देखिए इसे हमें 5 भागों में डिवाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्केल से मान लो 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया, 2 सेंटीमीटर पर अगर हम पॉइंट लगा लेंगे तो भी हमारा ये 5 भागों में कट जाएगा। फिर लास्ट वाले पॉइंट को क्या करते हैं, इस लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में मिला देते हैं, ठीक है। फिर इस बात क्या करते हैं, इसे 2 मीटर पर जो 2 सेंटीमीटर हमारा जहाँ पर पॉइंट लगा है यहाँ से MDA को हम सेट कर लेंगे, फिर उस पॉइंट पर ले जाके यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, चूँकि यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन दिया है कि 4 मीटर था 6 डेसीमीटर, तो हमें यहाँ डेसीमीटर को भी मानना है, तो हमें 1 मीटर को क्या करना, डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए हमें एक न्यू रेखा में फिर एक रेखा खींचनी होगी, ठीक है। तो इस रेखा जो हमारी लंबाई, अगर इसे मान लो 10 भाग में डिवाइड करना है, तो आपको एक मान लो अपना गोले प्रकार में, फिर एक समान मान से इसको 10 भाग में डिवाइड कर लो, या फिर आप क्या कर लो इसमें से 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो, ठीक है, फिर इसको अपना 10 भागों में डिवाइड कर लो, 5 mm पर अगर हम एक पॉइंट लगा लेंगे 5 mm में, तो हमारा ये क्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ जाके मिला देंगे, तो इस तरह से MDO सेट करके मिलाते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसको ऊपर से हम यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक, और इस सारे लास्ट वाले पॉइंट को मिला देते हैं, और यहाँ से भी इस रेखा को ऊपर ले आके हम मिला देते हैं, ठीक, यहाँ से भी ऊपर मिला देते हैं, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी, तो इस तरह से हमारी बनकर तैयार होती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल को अपना लिख देते हैं, ठीक है, तथा यहाँ पर RF को लिखना मत भूलिएगा, RF जैसे यहाँ पर हमारा 1/40 है, 1/40 को हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर जैसे हम इसमें जो दूरी हमें जो दिखाना है कि 4 मीटर था 6 डेसीमीटर, ठीक है, तो हमारा यहाँ से 1 मीटर 2, 3, 4, अब यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डेसीमीटर यहाँ से हो गया 4 मीटर। तो इस वाले पॉइंट को ऊपर ले आकर हम यहाँ पर 4 मीटर 6 डेसीमीटर को हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो ठीक है, एक बार हम आपको ऐसे ही बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसे हम यहाँ पर दिया गया हमारे जो लेंथ ऑफ स्केल है वो कितना है 12.5, तो 12.5 से रेखा खींचेंगे, फिर चूँकि लेंथ की हमारे जो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है 5 मीटर, तो इसको 5 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ से न्यू रेखा खींचते हैं, इसको 5 भागों में करते हैं, इसे 1, 2, 3, 4,
फाइव, अगर मान लो टेन सेंटीमीटर लेकर 2 mm पर कर लेंगे, इस लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट में मिलाते रहेंगे, ठीक है, एम डी सेट करके। फिर यहाँ से एक 5 mm की और रेखा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर की, फिर उसको 5 5 mm पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इस लास्ट वाले पॉइंट में ले जाके मिला देते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 9 10 कर लीजिए, ठीक है। इसका मिलाते रहते हैं, यहाँ से ला के मिला दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से ऊपर अपना 1.5 सेंटीमीटर उठा लीजिए, यहाँ से 1.5 या फिर आप 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऊपर कर लेंगे इसे, ठीक है। फिर यहाँ से जिस पॉइंट में मिलेगा इसको सीधे पहले इसे ऊपर उठा लेते हैं। अब यहाँ से एक मिड पॉइंट लगा के पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना लेंथ ऑफ स्केल लिख देते हैं, जैसे लेंथ ऑफ स्केल हमारी दी गई है 12.5 लिख देंगे। फिर यहाँ से अपना आर एफ लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रदर्शित करना है कि ये हमारे देखिए मीटर में होता है, यहाँ से आता है, इसी देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ से 4 मीटर, चूँकि 1 मीटर हमने क्या डेसीमीटर में चेंज किया, डेसीमीटर हमारा ये होगा, यहाँ से हो जाएगा 10, चूँकि 10 डेसीमीटर है, ठीक है, तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। फिर इसमें हमें प्रदर्शित करना है कि 4 मीटर, तो 4 मीटर 6 डेसीमीटर, तो 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको उठा कर यहाँ से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर और 6 डेसीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्केल बन के तैयार हो जाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।